आज हम भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं जहां 42 साल तक कभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन स्टेशन से होकर तो गुजरती थी लेकिन रुकती नहीं थी। जब भी कभी यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन का ड्राइवर उसको रोकने की बजाय और स्पीड से भगाने की कोशिश करता। और इन सब का कारण बहुत अजीब था। जो रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था उसका लोगों में इस कदर खौफ था कि जब भी कभी यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री और स्टाफ दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे और स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही खिड़कियां दरवाजे खोले जाते थे। यह रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा। यह रेलवे स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। साल 1967 में बेगुना कडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने रेलवे स्टेशन पर महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उससे आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखे जाने का दावा किया गया था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा और यह रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला का भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की स्टेशन पर पोस्टिंग होती वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता। यहाँ तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पेरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक की रेलवे मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी। हालांकि 42 साल के बाद यानी 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भी भूत को देखे जाने का दावा नहीं किया गया है लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। फिलहाल यहां करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।